السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون أو أهل الكتاب کے ساتھ بحث و مباحثة نہ کرو مگر عمدہ जो उनमें जालिम हैं और साफ ऐलान कर दो कि हमारा तो इस किताब पर भी ईमान है जो हम पर उतारी गई और उस पर भी जो तुम पर उतारी गई और हमारा और तुम्हारा मबूद एक ही है हम सब उसी के हुक्म के फरमा बरदार है नाजर ने किराम ये सूर्न कबूर की आयत नंबर छियालीस है पहले किताब से मुराद वो कौम है जिनको किताब दी गई तोरेत जबील तो तौरत और मौजूद हैं तो किताब है। में उन्होंने तब्दीली कर दिया रद्द कर दिया तो फरमाएगी वाला तोल अहल किताब पहली आयत में इलेक। दिया गया कुरान की तिलावत का कुरान पढ़ने का यहाँ पिछली जो किताबे उतारी गयी तोरेत और इंजील तो उन किताबों के जो मानने वाले हैं उनके बारे में कहा गया कि वला तुझा दलू अहलल किताब उमदा तरीके ऐसी बातों मुबाशा का क्या मतलब जैसे लड़ाई झगड़ा मुनाजरा चैलेंज खून खराबे की नौबत आए मार धार ये चीजें गलत हैं उमदा तरीका बहस का यह होता है कि आदमी दलील अपने सामने रख दे और सामने वाला दलील की रोशनी में जवाब दे उमदा तरीका मुबास का सबसे प्यारा तरीका अल्लाह ने जो हमें बताया जब नमरूद ने कहा कि मैं जिंदगी और मौत का मालिक हूँ इब्राहिम सलाम ने जब तोहहीद की दावत दी कहा कि मेरा रब जिंदगी और मौत का मालिक है तो नमरूद ने कहा कि मैं भी जिंदगी और मौत का मालिक हूँ और फिर दो कैदियों को बुलाया एक कुमार डाला एक को छोड़ दिया कहा देखो एक की जिंदगी बचा ली एक कुमार डाला तो इब्राहिम इसलम उससे लंबी हजत बहसो मुबास में नहीं पड़े तुम ऐसे हो वो हो वो है तुमने क्यों जुल्म किया ऐसा कुछ नहीं उसका दावा था कि मैं जिंदगी और मौत का मालिक इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है और मगरब में डुबाता है फल्लाति बिशम से मिनल मशरिक फति बेहा मिनल मगरब तो तू अगर रब है जिंदगी मौत का मालिक है रब है ना तो मेरा रब तो सूरज को मशरक से निकाल के मगरब में डुबाता है तो तू अगर रब है तो उसे किसी दिन मगरिब से निकाल के मशरक में डुबा दे फदी का फर्क वो हक मक्का हो गया यह है मुजादला मुनाकशा और लोगों से तोहेद के मैटर पे गुफ्तू करने का अंदाज और तरीका कि ऐसी दलील सामने रख दी जाए कि उसके बाद और कोई चारा न हो उसे या तो लाजवाब हो जाए या हक को कबूल कर ले तो कहा कि वला तुज़ा दिताब तुम्हारे किताब तुम किताब से बहसो मुबास न करो अल्ला बिल्लती है अहसन मगर बेहतर तरीके से और बेहतर तरीका बहसो मुबास का वही है कि दलील से काट की जाए लंबी चौड़ी गुफ्तगु तकरीर के बजाय दलील से जब आप गुफ्तु करेंगे तो उसका फायदा ज्यादा होगा तो अल्लाह ने उसी का यानी बहसो मुबाससे का एक प्यारा तरीका और प्यारा रास्ता हमें बताया क्यों कहा अहले किताब के यहाँ तौरत इंजील में बहुत सारे खजाने मौजूद थे पुरानी रिवायते मौजूद हैं, पुराने वाकयात मौजूद हैं। लेकिन उसमें उन्होंने अपनी जानब से गढ़ दिया है न तौरे असली शक्ल में है न इंजील असली शक्ल में इंजील तो चार हो गई है अब चारों में कोई एक सही नहीं है किसी बड़े से बड़े पादरी से पूछोग को कहेगा इन चारों में ही सही है लेकिन यह भी दावा सही नहीं न चारों में कोई एक इंजील सही है न इन चारों को मिलाएं तो भी सही इंजील आपको मिलेगी सही इंजील मौजूद नहीं है दुनिया में और न सही तोरेत मौजूद है हाँ इतना हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तौरत इंजील से जब कोई बात करे तो ला तो सदु वाला तो कर हम न उनकी तस्दीक करो न झुठलाओ फौरन मत करो झूठी चीज है और न तो फौरन मान लो वकूलू आना बिल्लुम हम उन तमाम चीजों पर ईमान लाए जो हम पर नाजिल की गई यानी हमारे नबी पर नाजिल की गई और तुम पर नाजिल की गई जो तुम्हारे नबी पर नाजिल की गई बस उसकी हर बात को जो तौरे तेंदिल से करे ना झुटलाएंगे न फौरन मानेंगे बस आ मना बिल्लि उन जिला कुम जो कुछ हमारे नबी पर उतारा गया उस पर भी हमारा ईमान है और जो कुछ तुम्हारे नबी पर उतारा गया उस पर भी हमारा ईमान है यह है तोरेत और इंजील के बारे में हमारा यकीदा और हमारी तरबियत तो इस आयत में अल्लाह ताला ने चंद बातों का हुक्म दिया पहला मसला जो इस आयत से साबित होता है कि अहले किताब से बहस व मुबासा या मुनाजरा अमूमी तौर से नहीं किया जाएगा दूर रहा जाएगा लेकिन अगर जरूरत पड़े बहस व मुबासा की चाहे अहले किताब हो या अहले बिदात हो या मुलहरिन या दहरिये हों तो दलील के साथ उनको बातें समझाई जाएंगी जैसे कि इब्राहिम ने समझाया तरदीद हाजिर एक रिसाला है बहुत बड़े आलिम थे मौलाना अब्दुल रऊफ साहब झंडा नगरी बहुत बड़े खतीब थे अपने जमाने के हिंदुस्तान में उनको खतीबुल हिंद फिर खतीबल इस्लाम का लकब दिया गया उसमें एक वाकया लिखा उन्होंने एक साहब तौहीद के मुनकिर थे और अल्लाह की हर तखलीक पर एतराज करते थे गांव में कहीं गए दावत औवत थी अब वो किसी मुरीद के यहाँ या किसी अपने साथी के यहाँ खाना पीना खाए और उसके बाद कद्दू को देखिए कद्दू एक फल है ये पतरे पे कबेलू पे और छोटे मोटे झाड़ों पे लग जाता है तो उस कबेलू के मकानात पे देखा कि कद्दू लटका हुआ है तो इन्होंने कहा कि देखो अल्लाह की बनावट कैसी गलत है इस कबेलू कमजोर है और इस पे इतना बड़ा फल कद्दू लगा हुआ है अल्लाह की बनावट पर एतराज किया लिखा है मौलाना ने कि जब वो खा पी के निकले तो गांव से बाहर निकलने के लिए आम का एक बाग पड़ता था और आम का मौसम था जब बाग से गुजरे तो थोड़ा हवा तेज चली तो आम के मौसम में आम का जो फल था पट पट उनके ऊपर गिर रहा है पट 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 उनके ऊपर गिर रहा है टकले थे पंडित जी पट पट आम का फल गिर रहा है अब जब आम का फल गिरा टकला उनका फट रहा है तो कहते हैं कि अल्लाह अगर तूने इस आम के फल में कद्दू जितना बड़ा फल लगाया होता तो आज मेरा क्या हाल होता सही है तेरा हर फैसला तो कभी कभी अल्लाह की निशानियां खुद इंसान को अक्ल दे देती हैं जब आदमी के अपने ऊपर कोई चीज पड़ती है और कभी कभी इंसान को समझाना पड़ता है तो अल्लाह ने यहां अहले किताब से आहसन तरीके से मुजादले का और बहसो तकरार का हुक्म दिया पहला मसला दूसरा मसला गुफ्तगु हमेशा दलील से करनी चाहिए जैसा कि इब्राहिम ने किया तीसरा मसला तौरेत, इंजील, जबूर सारी आसमानी किताबों पर हमारा ईमान है उन रसूलों पर ईमान है जिन पर उतारी गई मगर हम अमल कुरान पर करेंगे चौथा मसला के गुफ्तगु में अच्छा तरीका अपनाया जाए कोई काफिल हो या मशरक हो तो उसको नहीं वो काफिल वो मुशर नहीं प्यारा उसलू मौलाना जब गुफ्तु करते तो स्वामी जी पंडित जी इस तरह के अल्फाज करते थे जब उनकी किताबों में आप देखिए पढ़िए कि एहतराम के साथ गुफ्तगु करते थे पांचवा मसला अहले किताब दो किस्मों के हैं दो तरह के होते हैं एक वो जो जालिम है एक वो जो आदिल है जालिम का मतलब कि अपने ऊपर भी जुल्म करते हैं दुश्मनी भी करते हैं अदावत भी करते हैं आदिल का मतलब कि वो अहले किताब हैं और हक का इंतजार रहता है हक मिल गया तो हक़ को वो कबूल कर लेते हैं और बाद सहाबा ऐसे थे जो पहले तौरे तौर जिल के जानने वाले थे बाद में कुरान उतरा तो कुरान के आलिम बन गए जैसे अब्दुल्ला इब्ने सलाम रज़ी को आप देख लीजिए तो हमेशा गुफ्तगु दलील से की जाएगी और व इलाना वुहिद इला गुफ्तु का नतीजा यही होना चाहिए कि हमारा तुम्हारा मबूद एक है इख्लाफात के बाद जो नतीजा आएगा कि मबूत हमारा एक अल्लाह ताला है अगर नतीजा गलत आया तो आप चाहे जैसी गुफ्तु करेंगे वो गुफ्तु बेसूद रही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ता फरमाए, की अता फरमाए, और तोहहीद के इस बात में सुन्नत के इस बात में दलाइल की खैर अता फरमाए आपकी नवाजिशों का शुक्रिया आप हमारे साथ अभी जुड़े रहिए इन कबूत की आयत नंबर सैतालीस के साथ आपकी खिदमत में हाजिरी होगी जब तक के लिए इजाजत दीजिए असल वर समाज से बुराई मिटाने में आई प्लस टीवी की मदद करें अपना ताउन ऑनलाइन ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें